चकमक चकमक करती हेडलाइट, कार में लगी काली फिल्म, कार की छत पर लगी लाल बत्ती, कार के बोनट पर लगा सत्ताधारी पार्टी का झंडा और कार के शीशे पे लगा वीआईपी टैग। किसी को भी बहकाने के लिए काफी है। इसी नशे में चूर एक युवक बहक गया और 20 सड़क करने लगा स्टंट। बैकग्राउंड में डायलॉग चल रहा है कि मैंने जब से होश संभाला है काम ही वही किया जिसकी अनुमति सरकार नहीं देती है। बताइए क्या सही बात बोली, कार सवार सारे वही काम कर रहा है जिसकी अनुमति सरकार वाकई नहीं देती। लेकिन मजाल क्या जो जरा सा डर हो। अब डायलॉग चल रहा है अगर सरकार ने अनुमति दे दी तो सरकार को क्या मिलेगा, तो जवाब आता है कि सुल्तान मिर्जा का नाम ही काफी है। शायद अंदर बैठा कार सवार खुद को वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई का सुल्तान मिर्जा समझ रहा है और उसे लग रहा है कि वो कार मुंबई की सड़कों पर दौड़ा रहा है। कार सवार शायद ये भूल गया कि भैया ये उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है और यहाँ की सड़कों पर ये सब करना पूरी तरह से प्रतिबंधित है। कहे कि ना, एक तो शराफत का शहर, ऊपर से राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। मतलब दोनों ही तरफ से सुल्तान मिर्जा बनने की कोशिश करना गलत है। खैर, युवक का कार से स्टंट करते वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो लखनऊ के गोमती नगर विस्तार का बताया जा रहा है और कार है मारुति की वैगनार जिसका नंबर है UP32GR1759। ट्विटर पर लोग जमकर वीडियो तो शेयर कर ही रहे हैं, साथ ही यूपी पुलिस को टैग भी कर रहे हैं। उम्मीद है कि पुलिस जल्द ही वीडियो का संज्ञान लेकर युवक पर से सुल्तान मिर्जा बनने का भूत उतार देगी। साथ ही कानून किस चीज की अनुमति देता है और किस चीज की अनुमति नहीं देता है ये भी बता देगी। इस खबर में बस इतना ही। अगर खबर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।